हेलो यूट्यूब। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बल्किंग के बारे में। अगर आपका एम है, अगर आपका गोल है कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपका गोल लाइक आप अपना साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाइसेप्स, चेस्ट जो है मसल का साइज इंक्रीज हो, नॉट फैट, आई एम टॉकिंग अबाउट मसल, ओके। सो बल्किंग के बारे में, लोगों के दो गोल होते हैं, तीन होते हैं वैसे तो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट टू गोल्स। पहला है कटिंग, दूसरा है बल्किंग। अगर आप कटिंग की ओर हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, यहीं पे छोड़ दीजिए। अगर आप बल्किंग करना चाहते हैं, सेकंड गोल की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं अगर आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में, ऐसे नेचुरल फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको आपका गोल अटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको जो प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं, नेचुरल प्रोडक्ट है, वो है एग योक। अब जनरली होता क्या है कि एग योक खाने से जो येलो पार्ट होता है एग का, वो खाने से लोग जो है मना करते हैं। लोग क्या जिम ट्रेनर हैं, जो भी जिम में आपको जो ब्रो टाइप लोग मिलेंगे, वो आपको करेंगे मना कि आपने भाई येलो पोर्शन नहीं खाना एग का, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं पहले भी अपने वीडियोस में ये बात क्लियर कर चुका हूं कि एग का कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड यू कैन कंज्यूम इट। यू कैन कंज्यूम अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 एग्स ऑन अ डेली बेसिस एंड इट विल नॉट हार्म योर बॉडी, ओके। सो आप 5 से 6 अंडे डेली खा सकते हैं। और एग योक में आपको बता दूं कि 50% प्रोटीन होता है एग का। अगर आप एग होल एग ले रहे हैं, उसे 5 या 6 ग्राम प्रोटीन है, तो एग वाइट में आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एंड एग योक में आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। टोटल प्रोटीन 50% जो प्रोटीन होता है वो एग योक में होता है, तो इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो गुड फैट्स होती हैं उसमें, ओमेगा 3 होती है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है खास करके, कि जो आपको जो आपका बल्किंग का गोल है जो वो अटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं एक प्रोडक्ट जो कि ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स इग्नोर करते हैं, उसको क्यों करते हैं उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, और उसका नाम है पोटैटो। जी हाँ, आलू। आप बॉयल्ड एग खा सकते हैं टेस्ट के अनुसार, फ्राइड नहीं खाइए, बॉयल्ड खा लीजिए आप। जैसे आप आलू का परांठा बनाते हैं तो उसका जो मसाला तैयार करते हैं आलू का, तो वैसे करके आप खा सकते हैं, प्याज और धनिया, लून, नमक, मिर्च वगैरह डाल के। तो होता क्या है, कार्ब्स पोटैटो में, आलू में कार्ब्स होती हैं। कार्ब्स पहली बात आपके बॉडी का ग्लूकोज मेंटेन करती हैं, दूसरी बात आपको एनर्जी आपको देती हैं। कार्ब्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अपनी बॉडी का, ये तो सिंपल सी बात है, सभी को मालूम है। और अगर आप बल्किंग करना चाहते हैं तो आप कार्ब्स को इग्नोर नहीं कर सकते। लगभग डबल हो जाती है कार्ब्स की अमाउंट कटिंग से बल्किंग, अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपकी कार्ब्स की अमाउंट लगभग डबल हो जाएगी। तो उतनी अमाउंट को पूरा करने के लिए आपको और ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। तो पोटैटो इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स। एंड हाँ, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब की अगर बात की जाए तो पोटैटो में सिंपल कार्ब्स होते हैं, बट यू कैन कंज्यूम इट। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप आलू ही खाते रहो, बट कुछ अमाउंट में आप जिम जाने से पहले या फिर आफ्टर जिम अगर आपको एकदम से एनर्जी बूस्ट अप चाहिए तो आप कार्ब्स ले सकते हैं। वैसे मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि जिम जाने से पहले आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लीजिए और जिम के बाद आप सिंपल कार्ब्स लीजिए। बट अगर आप जिम जाने से पहले भी सिंपल कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप सिंपल कार्ब्स ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर, दूसरा हो गया पोटैटो, तीसरे नंबर पर है राइस। राइस में भी वही है, अगर आप व्हाइट राइस लेंगे या ब्राउन राइस लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। व्हाइट राइस सिंपल कार्ब्स, ब्राउन राइस कॉम्प्लेक्स कार्ब, ओके। सो आप देख लीजिए आपको जो ठीक लगता है, जो आपके पास अवेलेबल है। राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, सो आप सारा दिन बूस्ट अप फील करेंगे। एंड जिम में आपको जो है बल्किंग करने के लिए कार्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बनाना। बनाना सेम वही चीज बता रहा हूं आपको, हेल्दी फूड एंड बनाना भी, उसमें आपको कार्ब्स की और कैलोरीज अच्छी मिलती हैं। अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो आपको जो है कैलोरीज सरप्लस में जाना पड़ेगा, तो ये चीजें जो है आपको कैलोरी सरप्लस में जाने की मदद करेंगी, जाने में आपको। तो आप बनाना ले सकते हैं, 1 या 2 बनाना बिफोर जिम, और या फिर आप धीरे धीरे करके 1 सुबह, दोपहर, शाम को जो है बनाना ले सकते हैं। बट रात के टाइम कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा रात के टाइम कार्ब्स को कंज्यूम करने की ज्यादा, क्योंकि रात के टाइम ही जो है कार्ब्स हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी में रातों रात लेयर बननी शुरू हो जाती है फैट की, तो उस चीज को मैं मना करूंगा। उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, वो मैंने लिखा था और आपको बता दूं कि वो है फुल फैट मिल्क।
अब फुल फैट मिल्क और फैट फ्री मिल्क में क्या डिफरेंस है? फैट फ्री मिल्क में जितने प्रोटीन है उतने ही आपको फुल फैट में मिलेंगे, जितने कार्ब्स हैं उतने ही आपको फुल फैट में मिलेंगे, बट फैट फ्री में फैट नहीं होगी, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है। बट फुल फैट में फैट पूरी होती है। अगर आप बल्किंग का गोल है आपका तो आप फुल फैट मिल्क ले सकते हैं, बट स्टिल सुबह लीजिए। अगर आप सुबह का वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से बाद ले लीजिए, अगर आप शाम का वर्कआउट करते हैं तो सुबह जब मर्जी आप ले सकते हैं, 7 बजे 8 बजे जब आप उठते हैं तो उस समय आप जो है फुल फैट मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपका गोल अटेन करने में आपको बहुत मदद करेंगे। बल्किंग का मतलब कैलोरी सरप्लस। तो ये जो मैंने आपको फूड प्रोडक्ट बताए हैं नेचुरल प्रोडक्ट हैं और आपकी कैलोरी सरप्लस करने में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि कैलोरीज बढ़ाने के साथ साथ इसमें है कार्ब्स, तो कार्ब से ही अगर आप कैलोरीज इंक्रीज करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, रादर देन इंक्रीजिंग इट विद प्रोटीन एंड फैट। ओके, सो गोल के ऊपर डिपेंड करता है आपका। अगर आप कटिंग का गोल है तो आपको जो अपनी ज्यादातर कैलोरीज जो है प्रोटीन से और फैट से कंज्यूम करनी चाहिए। अगर आपका गोल है बल्किंग का तो आपको ज्यादा कैलोरीज करनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम, और उसके बाद जो बचा कुचा कैलोरीज है वो कंज्यूम करनी चाहिए आपको प्रोटीन और फैट से। ओके, तो मे बी मुझे लगता है कि इस वीडियो का आपके ऊपर और आपके गोल के ऊपर थोड़ा असर जरूर पड़ा होगा। अगर आपको अच्छी लगी हुई ये वीडियो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने सजेशन जरूर दीजिए, कमेंट करके दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग, तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कुछ क्वेरी है आपकी जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।